दिया सर लोकसभा में, उस पे काफी ज्यादा विपक्ष चर्चा कर रहा है। आपने कहा कि बाकी देशों में 50% गजब बेइज्जती है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। चूतिया बनाया तुमको। अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। मित्र, ये गरीबी का हाल कर दिया है। देशों में 50% बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों। दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री से पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा तो मंत्री जी ने अपना आपा ही खो दिया। जबरदस्त लग्जरी कार में बैठते ही पत्रकार से कहते हैं, चलो हटो यार, गाड़ी का गेट बंद कर आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, न्यूज 24 के रिपोर्टर ने लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछा तो पेट्रोलियम मंत्री जवाब देने की बजाय उन्हीं पर भड़क जाते हैं। आपको बताते चलें कि मंत्री जी ने हाल ही में संसद में कहा था कि पश्चिमी देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल के दामों में 5% तक वृद्धि हुई है, जबकि पश्चिमी देशों में पेट्रोल डीजल के दाम 50% तक बढ़ चुके हैं। अतः हमारे देश में डीजल पेट्रोल अभी भी सस्ता है। पेट्रोलियम मंत्री के इसी बयान पर पत्रकार महोदय ने पूछा, आपके इस बयान पर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इतना सुनते ही मंत्री महोदय गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और गाड़ी में बैठ कर निकल जाते हैं। दरअसल दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्री के सदन में उल जलूल तर्क से घबराए हुए थे। जहां एक तरफ पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में भी पेट्रोल डीजल के रेट भारत से कहीं कम है, वहीं भारत में डीजल पेट्रोल को जीएसटी से बाहर कर रोज नई कीमत तय की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।